शिवपुरी स्वर्णा की अध्यक्ष श्रीमती जेसी स्मिता सिंघल की ओर से और सचिव जेसी तनुजा गर्ग और सभी जेसी मेंबर्स की तरफ से स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं। नमस्ते, मैं जेसीआई शिवपुरी स्वर्णा से जेसी स्मिता सिंघल अध्यक्ष बोल रही हूँ। 15 अगस्त के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा संदेश देना चाहती हूँ। ये हमारा 75वां वर्ष है जो भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, जिसमें हमारा भारत का अस्तित्व ही पूरा आना था, खो दिया था हमने, और जिसे हमने पुनः प्राप्त किया हमारे शहीदों द्वारा। इसलिए हमारा ये पुनीत कर्तव्य है, हमारा पुनीत कर्तव्य है कि इस हमारे स्वतंत्रता की रक्षा करें, देश का नाम विश्व में रोशन हो और ऐसे कार्य करें कि देश में प्रगति के साथ साधक बने, ना कि बाधक। आजकल जमाखोरी और ये सब लोग जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं, इसे देश से समाप्त करना है। भारत के नागरिक होने के नाते हमें स्वतंत्रता ना तो हमें अपने दुरुपयोग करना है और ना ही दूसरों को करने देना है। इसको हमें रोकना है, दुरुपयोग जो कर रहे हैं स्वतंत्रता का, उसको रोकना है। और इसमें हमें अच्छे कार्य करना है जिसमें हमारा देश आगे से आगे बढ़े और आगे हमारे भारतवर्ष का नाम हो और हमारे जो पीढ़ी है, जो हमारे बच्चों की जो आ रही है नई पीढ़ी, वो लोग हमसे कुछ सीखे कि हाँ भाई, हमने जो कार्य करे हैं, वो हमारे बड़ों ने जो कार्य करे हैं, वो सही कार्य हैं, प्रगति की ओर ले जा रहे हैं हमारे भारत को। ऐसे ही कार्य हमको भी आगे करने हैं, तो हमें एक उनको आगे चल के गर्व महसूस कराना है आगे के बच्चों, क्योंकि वो जो जनरेशन आ रही है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के काम कर सकती है। ये पेंडेमिक आया था, तो पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ के देशवासियों को बहुत हानि हुई, कई को मारे गए, कई यहाँ से बेघर हो गए अपने घरों से। तो ये कुछ ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे यहाँ जो हम लोगों ने पेड़ पौधे काटे हैं और अपना बड़ा यानी कि घर वर बनाने के लिए, फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए हमने पेड़ पौधे काट दिए, तो इससे हमारे यहाँ के वातावरण को बहुत अशुद्धता मिली है। तो इसके लिए शुद्ध करने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और पेड़ पौधे अगर आप वहाँ लगाएं यहाँ उनकी देख रेख हो सके वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि पेड़ लगाना बहुत आसान है, कहीं पर भी लगा सकते हैं, लेकिन उनकी देखभाल करने के लिए हमको किसी ऐसे जगह लगाना है यहाँ वो देख रेख हो सके और पनप सके और जिससे हमें शुद्ध वायु मिल सके। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए और ऐसे पेड़ पौधे लगाइए जो ऑक्सीजन देते हों 24 घंटे। तो बस मैं 15 अगस्त पे आप लोगों को इतना ही बोलना चाहूँगी और आप सभी को हमारी संस्था द्वारा जेसीआई शिवपुरी स्वर्णा द्वारा आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय जय। थैंक यू।